जैक कैनफील्ड कहते हैं कि अगर आपको अपने गोल को अचीव करना है तो ये जरूरी है कि आप 100% कमिटेड हो। 99% कमिटेड होना काफी नहीं है, आपको 100% कमिटेड होना होगा। 99% कमिटेड होने में और 100% कमिटेड होने में एक छोटा सा फर्क है, लेकिन आपके गोल में एक बहुत बड़ी रुकावट बन सकता है। अगर आप अपने गोल के लिए काम कर रहे हैं और आप उसके लिए 100% कमिटेड है तो कोई चांस नहीं है कि आप फेल हो जाएंगे, लेकिन अगर आप 99% कमिटेड है तो कहीं ना कहीं आपके मन में कोई डाउट है। आप जिन भी लोगों को सक्सेसफुल मानते हैं वो लोग सक्सेसफुल इसलिए है क्योंकि वो अपने काम के लिए 100% कमिटेड थे और वो अभी भी अपने काम के लिए 100% कमिटेड है। उनके रास्ते में कोई भी प्रॉब्लम आए, उनके गोल को अचीव करने में उन्हें कितनी भी मेहनत करनी पड़े, वो उस मेहनत को करते हैं। आप एक एग्जांपल ले सकते हैं, जब आप कॉलेज में थे या आप स्कूल में थे, आप अपना कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करना चाहते थे या अपनी कोई असाइनमेंट सबमिट करना चाहते थे तो आप उसको रात को भी उठकर कंप्लीट करते थे। उसी तरह से अगर आपके एग्जाम आ जाते थे, एग्जाम से पिछले दिन और उससे 2-3 दिन पहले रात को जागना शुरू कर देते थे। इसी चीज को 100% कमिटमेंट बोलते हैं। लेकिन ये 100% कमिटमेंट आपको हमेशा चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 1-2 दिन तो इस पर काम कर रहे हैं और उसके बाद जब आपको कोई फायदा नहीं दिखता तो आप वापिस उसी ट्रैक पर, वापिस अपने पुराने ट्रैक पर आ गए। अगर आपको 100% कमिटेड बनना है तो पहले आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेने होंगे। आपको आज एक फैसला करना होगा कि कल से मैं 10 मिनट वर्कआउट करूंगा या वॉक करूंगा। अब आपको अगले कुछ दिनों तक हर रोज ये चीज करनी है। 10 मिनट के लिए आपको हर रोज वर्कआउट करना है या वॉक करनी है। और अगर आप सुबह के टाइम इसे ना कर पाए तो आपको कोई और टाइम ढूंढना है जिस टाइम आप वॉक करें, लेकिन आपको हर रोज ये करना है। कहने का मतलब ये है कि आपको अपने दिमाग को और अपने आप को ये फील करवाना है कि आप जो भी डिसीजन लेते हैं आप उसको पूरा करते हैं। ऐसे छोटे छोटे डिसीजन लेकर आपको अपने आप को 100% कमिटेड बनाना होगा। उसके बाद जब आप गोल डिसाइड करोगे तब आप उस गोल के लिए भी 100% काम करोगे, उस गोल के लिए भी आप 100% कमिटमेंट रखोगे। ये बहुत जरूरी है कि आप 100% कमिटेड बनो, क्योंकि अगर आप 99% कमिटेड हो या आप कम कमिटेड हो तो आप उस गोल को अचीव नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, आप हर रोज वर्कआउट करते हो, लेकिन अगर आप 99% कमिटेड हो तो आप कल कोई ना कोई बहाना ढूंढोगे जिसकी वजह से आप ये सोचोगे कि कोई बात नहीं, आज मैं वर्कआउट नहीं करूंगा तो कोई घाटा नहीं हो जाएगा। लेकिन ये फिर बार बार होने लगेगा और आपके दिमाग को ये समझ आ जाएगा कि आप अपने डिसीजन पर खड़े नहीं रहते, आप अपने डिसीजंस को पूरा नहीं करते, और ये फिर आपकी लाइफ में हर डिसीजन पर अफेक्ट करेगा। इसीलिए ये जरूरी है कि आप छोटी से छोटी चीज जो डिसीजन आप लेते हैं उनको पूरा करें, उनको कल पे ना छोड़े। अगर आपको 100% कमिटेड बनना है तो आपको ये छोटे छोटे स्टेप्स लेने होंगे। अगर आप सच में चाहते हैं कि आप कोई गोल अचीव करें तो आपको उसके लिए 100% कमिटेड बनना होगा।